ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो उनका हाथ या हमारे सिर पर होता है या तो पीठ पर। तो सिर पर हाथ रखने से क्या होता है? हमारे सिर पर होता है अभिमान और पीठ पर होता है पाप। तो हमारे महात्मा लोग अपना हाथ रखकर हमारे अहंकार को और पाप को, दोनों को तिलांजलि दे देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ था और छाती से धर्म पैदा हुआ था। इसलिए कभी भी भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो पीठ की तरफ से नहीं करते, बल्कि उनके सामने से करते हैं। इसीलिए तो हम अपना पूरा शरीर देख लेते हैं पर अपनी पीठ नहीं देख पाते, क्योंकि अधर्म देखने लायक ही नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस समय हम किसी भी भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं तो उस समय वो भगवान हम पर अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोचते होंगे कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने से क्या होता है? तो सोचिए, दुनिया वालों के सामने जब हम हाथ जोड़कर आपसे नमस्कार बोलते हैं तो ये दुनिया के लोग आपसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही सभी देवता आपके प्रणाम करने से आपसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, वो गदगद हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें नमस्कार अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।